साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न करेंगे, और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें समीकरणें दी हुई है और इनको हमें हल करना है। हल करने का मतलब होता है कि जो समीकरण के अंदर चर होता है उसका मान हमें ज्ञात करना है, और इस मान को ज्ञात करने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं समीकरण में क्या होता है, बराबर का चिन्ह होता है। बराबर की इस साइड को हम LHS कहते हैं और इस साइड को हम RHS कहते हैं, और हिंदी में इसे बायां पक्ष कहते हैं और इधर को हम क्या कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं। ठीक है, तो देखो समीकरण के रूल्स होते हैं कि आप कोई भी चीज़ जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो या भाग करते हो, तो आपको वो दोनों साइड में करनी पड़ेगी। और ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें समीकरण को सॉल्व करना है। जैसे मान लो मैंने बराबर के इस साइड में +1 लिखा, तो मुझे +1 इधर भी लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारी समीकरण क्या होगी, बराबर होगी, बैलेंस होगी, संतुलित होगी। ठीक है, जैसे बराबर के इस साइड में मैं 2 का गुणा कर रहा हूँ, तो इधर भी मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा। बराबर के इस साइड में -1 लिख रहा हूँ, तो इधर भी मुझे -1 लिखना पड़ेगा। अब ऐसा हम क्यों करेंगे वो समझो। जैसे देखो हमारा पहला प्रश्न है, x-1 = 0। तो मुझे क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, चर का मान ज्ञात करना है, और x का मान ज्ञात करने के लिए मुझे -1 को हटाना पड़ेगा। अब ये -1 मैं कैसे हटा सकता हूँ, तो हम जानते हैं कि जब हमारे पास -1 है, ठीक है, तो इसको हटाने के लिए मुझे इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। हम जानते हैं माइनस का 1 और प्लस का 1 यहाँ पर क्या करेगा, घटेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ से ये -1 हट जाएगा। कब हटेगा, जब मैं इधर 1 जोड़ूंगा। और अभी मैंने एक नियम बताया कि जो भी हमें काम करना है वो बराबर के दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, प्लस का 1 इधर भी जोड़ेंगे और प्लस का 1 इधर भी लिखेंगे। बात समझ में आ गई। तो अब हमें इस -1 को हटाने के लिए ऐसा करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर। ठीक है, तो यहां पर देखो ये बराबर हो गया, इधर हमारा क्या है, इधर हमारा x-1 है, इस 1 को हटाने के लिए मुझे 1 इधर भी जोड़ना पड़ेगा, और यहां पर पहले से 0 है तो 1 मुझे इधर भी जोड़ना पड़ेगा। अब देखो 1 में से 1 गया 0, तो हम यहां पर क्योंकि ये 0 हो गया तो इसको हटा देते हैं, ये 0 हो गया इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ऐसे लाइन खींची, इसका मतलब मैंने इसको हटा दिया। तो अब ये दोनों हट गए, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ हमारा x बचा, बराबर का निशान बचा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, यही हमारा x का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो समीकरण हल करने के लिए हमने बराबर के दोनों साइड में 1 जोड़ दिया, तो हमें x का मान मिल गया। तो ये पहला प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। इसी प्रकार देखो हमारा दूसरा समीकरण क्या है, x+1 = 0। अब मुझे इस 1 को हटाना है, तो देखो यहाँ प्लस का 1 है, तो ये कब हटेगा, ये कब 0 होगा, क्योंकि हमें प्लस का 1 दिया हुआ है और मैं माइनस का 1 यहाँ लिख दूँ, तो यहाँ प्लस का 1 और माइनस का 1 घटेगा, तो 1 में से 1 गया 0। यानी अब की बार मुझे यहाँ माइनस का 1 लिखना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 1 इधर भी लिखेंगे और माइनस का 1 इधर भी लिखेंगे। माइनस का मतलब क्या हो गया, घटाना, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 1 घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 1 घटाने पर। तो देखो हमारी समीकरण क्या है, x+1 और इस साइड में बराबर में क्या है, 0। तो इस 1 को हटाने के लिए मुझे यहाँ भी 1 घटाना पड़ेगा और यहाँ भी 1 घटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि समीकरण का नियम है जो भी काम करना है दोनों तरफ होगा। तो यहाँ प्लस का 1 और माइनस का 1 ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचागा हमारा, एक्स बराबर का बराबर, और 0 - 1 का मतलब कितना होता है, -1, क्योंकि 0 का कोई मतलब होता नहीं है। तो x हमारा कितना आ गया भाई, -1 आ गया। इसी प्रकार अब देखो c क्या है, x-1 = 5। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ केवल x को रखना है, इस 1 को हटाना है। अब की बार ये -1 है, तो इसको घटाने के लिए मुझे +1 लाना पड़ेगा,
ठीक है। देखो घटता कब है, जब एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो तब घटता है। तो इस बार हमें प्लस का एक इधर भी जोड़ना है और प्लस का एक इधर भी जोड़ना है। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि यहां प्लस का लाना है मुझे। तो ये देखो एक्स माइनस एक तो है ही, प्लस का एक कर लेंगे। फिर बराबर पांच इधर है ही, प्लस का एक करेंगे, क्योंकि यहां हमने प्लस का एक किया तो इधर भी प्लस का एक करेंगे। तो एक में से एक जीरो हो जाएगा और ये हो गया एक्स बराबर पांच और एक जुड़ेगा कितना हो जाएगा छह। यहाँ एक्स का मान हमारा कितना आ जाएगा, छह आ जाएगा। इसी प्रकार देखो अब हमारा अगला प्रश्न यानी कि डी समीकरण है एक्स प्लस छह बराबर में दो। तो अब मुझे इस छह को हटाना है और प्लस की संख्या है, तो प्लस की है तो ये कब हटेगा, जब मैं इसकी माइनस संख्या लूंगा। तो यानी मुझे इस तरफ माइनस छह लेना पड़ेगा, तो इस तरफ भी माइनस छह हम लिखेंगे, है ना। यानी मुझे यहाँ पर छः को घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है तो इसको घटाना पड़ेगा। तो यह लिखेंगे दोनों तरफ छः घटाने पर, ठीक है, छः घटाने पर। तो यहाँ पर x प्लस छः अपनी जगह पर है, दो भी अपनी जगह पर है, हम इधर से भी छः घटाएंगे और इधर से भी छः घटाएंगे। तो ये छः में से छः गया जीरो, बचा क्या x बचा बराबर में। यहाँ देखो दो प्लस का है और छः माइनस का है तो ये भी घटेगा, दो प्लस का है और छः माइनस का है तो घटेगा। तो कितना बचा, चार बचा, लेकिन देखो माइनस का बड़ा है इसलिए उत्तर हमारा माइनस में आएगा। हम जानते हैं ये नियम कि जब दो संख्याएं एक प्लस की है और एक माइनस की है तो वो घटती है, और घटाने के बाद उस संख्या पर निशान कैसा आता है, जो संख्या बड़ी होती है वो निशान आता है। तो यहाँ पर छः बड़ा है और इसके पास माइनस है तो उत्तर भी हमारा माइनस में आएगा। तो ये हो गया हमारा x का मान। इसी प्रकार देखो e, यहां पर माइनस का चार है और इसे घटाने के लिए मुझे प्लस चार लिखना पड़ेगा, यानी अब दोनों तरफ हम चार को जोड़ेंगे। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ चार जोड़ने पर, चार जोड़ने पर, ठीक है। तो यहां पर है y माइनस चार, फिर बराबर यहां कितना है माइनस सात, तो हम इधर भी प्लस चार करेंगे और इधर भी प्लस चार करेंगे। तो यहाँ तो चार में से चार गया जीरो हो गया, इधर हमारा वाई बचा, और यहाँ देखो माइनस का सात और प्लस का चार घटाएंगे तो सात में से चार गया बचा तीन, उत्तर माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का यहाँ पर बड़ा है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का चार है तो फिर से यहाँ प्लस का चार और इधर भी प्लस का चार करेंगे। प्लस का चार मतलब जोड़ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ चार जोड़ने पर। तो यहाँ पर क्या है y माइनस चार है और बराबर में इधर क्या है, चार है, तो हम इधर भी चार जोड़ेंगे और इधर भी चार जोड़ेंगे। तो ये चार में से चार गया जीरो, तो यहाँ बचा y और ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, उत्तर भी प्लस में आएगा। तो चार और चार कितना हो गया, आठ, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया प्रश्न डी ई और एफ। अब देखो जी जो समीकरण है, इस तरफ अब की बार हमें प्लस का चार दिया है, तो ये चार कब घटेगा, जब मैं यहाँ माइनस का चार लूंगा, और माइनस का मतलब घटाना, तो इधर भी चार घटाएंगे और इधर भी चार घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ चार घटाने पर, यानी यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ क्या है, वाई प्लस चार है और इधर भी चार है, तो यहाँ भी माइनस चार करेंगे और यहाँ भी माइनस चार करेंगे। तो देखो ये प्लस का और माइनस का, चार में से चार गया जीरो, अब ये भी प्लस का और ये भी माइनस का, तो चार में से चार गया जीरो, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। तो वाई बराबर, क्योंकि ये जीरो हो गया, तो यहाँ वाई हमें क्या मिल गया, जीरो मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ है वाई प्लस चार बराबर माइनस चार, तो यहाँ देखो प्लस का चार है और इसको हटाने के लिए मुझे माइनस चार लेना पड़ेगा, तब ये जीरो होगा, है ना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ चार घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ चार घटाने पर। तो यहाँ समीकरण है y प्लस चार और इधर है माइनस का चार, तो इसको हटाने के लिए मुझे माइनस चार लेना पड़ेगा, तो इधर भी हम माइनस का चार लेंगे। ये चार में से चार गया जीरो और यहाँ बचा y। अब देखो माइनस माइनस जुड़ता है और उत्तर माइनस में आता है, तो चार और चार हो गया आठ, लेकिन उत्तर क्या आएगा, माइनस का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न संख्या एक सॉल्व करना है। अब देखो प्रश्न दो है,
पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। यानी जैसे हमने पहला प्रश्न किया वैसे ही दूसरा करना है। अब यहाँ अंतर क्या है, तो यहाँ पर अब की बार देखो चर के साथ संख्या गुणे में है, यहाँ 3 और एल, एल हमारा क्या है, चर है, तो इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं है। मतलब किसका निशान है, गुणे का निशान है। किसका निशान है, गुणे का निशान। तो अब देखो यहाँ पर पहले हमें प्लस का एक दिया जाता था बराबर के इस साइड में, ठीक है, तो हम माइनस का एक लेते थे दोनों तरफ, तो ये जीरो हो जाता था। लेकिन अब की बार यहाँ 3 जो है वो गुणे में है चर के साथ में, ठीक है, तो इस 3 को मुझे हटाना है। तो जब ये गुणे में है ना, तो इसको हम भाग में ले लेंगे तो ये हट जाएगा। जैसे यहाँ भाग का मतलब बट्टे के नीचे संख्या लिखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर समीकरण क्या है, 3L = 42 है और मुझे इस 3 को हटाना है और ये गुणे में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 3 का भाग देना पड़ेगा। भाग मतलब बट्टे के नीचे 3 लिखना, ठीक है। तो इधर भी हम बट्टे के नीचे 3 लिखेंगे, इधर भी हम बट्टे के नीचे 3 लिखेंगे, तो यहाँ 3/3 कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा, ठीक। 3 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार ही तो जाएगा, तो 3 में 3 का कितनी बार जाएगा भाग, एक बार भाग जाएगा। और एक का हम L से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, L ही मिलेगा। तो इस प्रकार भाग देखकर हम इन चीज़ों को हटा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको करना कैसे, जैसे समीकरण क्या है, 3 × L = 42, तो हम दोनों तरफ 3 का भाग देंगे क्योंकि यहां से हमें 3 को हटाना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ 3 का भाग करेंगे या भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3L है और यहाँ पर क्या है, 42 है, तो इसमें भी 3 का भाग देंगे, इसमें भी हम 3 का भाग देंगे, तो ये 3 से 3 तो हो जाएगा कैंसल, यानी एक बचेगा यहाँ पर, यानी एक का L से गुणा कराएंगे तो कितना बचा, L बचा, और यहाँ 42 में हम 3 का भाग देंगे, तो चलो भाग देते हैं 42 में 3 का। तो देखो 3 × 1 = 3 बचा, 1, 2 और 3 = 12, कितनी बार गया भाग, 14 बार। तो यहाँ पर भाग कितनी बार गया भाई, 14 बार भाग गया, तो L हमारा कितना आ गया, 14 आ गया। इसी प्रकार B है, देखो यहाँ पर मुझे अब 2 को हटाना है, और 2 किस में है भाई, भाग में, 2 देखो बट्टे के नीचे है मतलब भाग में, तो भाग में है तो हमें यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा इधर भी करेंगे और 2 का गुणा इधर भी करेंगे, तो ये 2 हमारा कट जाएगा भाई। ऊपर जो संख्या लानी है मुझे, इसका मतलब हमें इसके साथ गुणा करना है, ठीक है। यहाँ संख्या गुणे में थी तो हम भाग कर रहे थे, यहाँ पर संख्या देखो भाग में है, बट्टे के नीचे हैं, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हम देखो यहाँ पर दोनों तरफ अब गुणा किसका करेंगे, 2 का, क्योंकि हमें 2 को हटाना है, तो दोनों तरफ 2 का गुणा करने पर, तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 है और यहाँ पर क्या है, 6, तो इधर भी हम 2 का गुणा करेंगे और इधर भी हम 2 का गुणा करेंगे। अब देखो ये 2 ऊपर आ गया और ये 2 नीचे है, तो 2 से 2 कटेगा एक बार, और यहाँ क्या बचा, केवल 2 बचा, और 6 का 2 से गुणा, 6 × 2 = 12, तो हमारा 2 चर क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार देखो सी, सी में भी यहाँ भाग में है 7, तो हमें दोनों तरफ 7 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 7 का गुणा करने पर, तो यहाँ पर हमारे पास है 2/7 और इधर है 4, इधर भी हम 7 का गुणा करेंगे और इधर भी हम 7 का गुणा करेंगे, तो ये 7 और 7 तो कट गया, बचा क्या, 2, और यहाँ गुणा करेंगे तो 7 चौक कितना होता है, 28, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब है हमारे पास समीकरण डी, तो यहाँ पर देखो 4 गुणे में, और 4 को हटाने के लिए मुझे यहाँ 4 का भाग देना पड़ेगा, है ना, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 4 का भाग देंगे या देने देंगे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 4x, और इधर हमारे क्या पास क्या है, 25, तो हम इधर भी 4 का भाग देंगे और इधर भी 4 का भाग देंगे, तो 4 से 4 यहाँ कैंसिल होगा, तो क्या बचा, x बचा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। चलो यहाँ हमें क्या करना है, 8 को हटाना है, और 8 यहाँ किस में है, गुणे में, तो यहाँ 8 का हम भाग देंगे तो 8 हट जाएगा, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 8 का भाग देंगे, तो यहाँ पर देखो भाग देते हैं, 8y
इसमें भी 8 का भाग देना है और 36 इसमें भी 8 का भाग देना है। देखो एक चीज़ याद रखना, बराबर जो है हमेशा बट्टे की सीध में रखो, ऊपर नीचे मत करो, ये भी आपको एक ध्यान रखना है। तो यहाँ तो 8 से 8 कट गया और यहाँ हम 8 का भाग देंगे, तो देखो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24 और 8 चौक 32, यानी इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन दोनों में 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग देते हैं, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ 2 बार भाग गया और यहाँ 4 नम 36, 9 बार भाग जाएगा। अब भाग नहीं जा रहा है तो 9/2 ही हमारा उत्तर। तो यहाँ तो क्या बचा, यहाँ हमारा वाई बचा और यहाँ बचा 9/2, ये आंसर हो जाएगा। फिर देखो एफ, तो एफ समीकरण में यहाँ पर मुझे 3 को हटाना है और यहाँ 3 भाग में है, तो जब ये भाग में है और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा। तो यहाँ अब दोनों तरफ हम 3 का गुणा करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करते हैं, चलो यहाँ पर क्या है, Z/3 बराबर में 5/4, तो इधर भी 3 का गुणा करेंगे, इधर भी 3 का गुणा करेंगे, तो यहाँ से तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचा क्या, Z। और यहाँ देखो ये 3 ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ है तो इस 5 से ये क्या होगा गुणा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15, तो 15/4 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जी, जी में हमें क्या करना है, इस 5 को हटाना है, तो 5 यहाँ किस में है, भाग में है, तो दोनों तरफ हम 5 का गुणा करेंगे तो ये 5 हट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 5 का गुणा करने पर, तो ये हो गया A/5 बराबर 7/15। 5 को हटाना है तो इधर भी 5 का गुणा करो और इधर भी 5 का गुणा करो, तो 5 से 5 यहाँ कट गया, बचा A। और यहाँ पर देखो 5 ऊपर है और 15 नीचे, और दोनों में 5 का पहाड़ा है, तो इनको 5 से काटेंगे, तो देखो 5 एकम 5 और नीचे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15। ऊपर 1 बचा तो 7 से गुणा करेंगे, तो 7 एकम 7, तो ऊपर तो 7 आएगा और नीचे हमारा कितना आएगा, 3 आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखो H, यहाँ 20 गुणे में है, तो दोनों तरफ हम 20 का भाग देंगे तो ये 20 हट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 20 का भाग ये लिखेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखो यहाँ क्या है, 20/t है, तो इसमें 20 का भाग देंगे, यहाँ क्या है, माइनस का 10 है, तो इसमें भी हम 20 का भाग देंगे, तो यहाँ तो 20 से 20 कट गया, बचा क्या, t, और यहाँ माइनस, ये क्या करेंगे, 10 एकम 10 और 10 दूना 20, दोनों में 10 का भाग देंगे, तो बचा क्या, -1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, प्रश्न संख्या 2 हो गया। प्रश्न 3 है, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताएं और फिर समीकरण को हल कीजिए, यानी चरण भी बताने हैं और हल भी करना है। तो यहाँ पर देखो अब समीकरण थोड़ी बड़ी है ना, तो यहाँ पर चर के साथ गुणे में 3 भी है और यहाँ चर के साथ 2 घटाया हुआ भी है, यानी माइनस का 2 भी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस -2 को हटाएंगे, फिर इस 3 को हटाएंगे, यानी दो चरण में इसको हम n का मान को ज्ञात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ माइनस का 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर प्लस का 2 लाना पड़ेगा, तो ये 2 और 2 हट जाएगा, तो प्लस का 2 लाना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे दोनों तरफ 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ +2 करने पर यानी 2 जोड़ने पर, तो यहाँ पर क्या है, 3n-2 है और यहाँ पर क्या है, 46 है। तो इस 2 को, -2 को हटाने के लिए इधर हम +2 करेंगे और इधर भी +2 करेंगे, तो यहाँ +2 करने से क्या होगा, ये माइनस का और ये प्लस का, 2 में से 2 गया 0, तो इसको हम हटा देते हैं, तो यहाँ क्या बचा, 3n बचा बराबर में, यहाँ दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, तो 46 और 2 कितना हो गया, 48 हो गया। अब मुझे इस 3 को हटाना है, तो यहाँ ये 3 गुणे में है, तो अगर मैं इसमें 3 का भाग दूँ तो ये 3 हट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग 3 करने पर, यानी 3 का भाग देने पर, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, 3 का भाग देने पर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 3n, इसमें भी 3 का भाग देंगे और यहाँ है 48, इसमें भी 3 का भाग देंगे, तो ये तो 3 से 3 हट गया, बचा क्या, n बचा, और यहाँ हम 3 का भाग देंगे, तो चलो भाग देते हैं 48 में 3 का, तो 3 एकम 3 बचा 1 आया 8,
करेंगे तो 3 छंग होता है 18, 18 में से 18 गया 0, कितनी बार भाग जाएगा 16 बार। तो यहाँ हम भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा भाई 16 बार। तो n हमें कितना मिल गया यहाँ 16 मिल गया। अब देखो दूसरी समीकरण, 5 × m + 7 = 17। तो इसको भी हमें दो चरणों में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस प्लस 7 को हटाना है। ये कैसे हटेगा, जब इधर मेरे पास -7 हो तो 7 में से 7 जाएगा 0 हो जाएगा, यानी अब की बार मुझे 7 घटाना पड़ेगा क्योंकि इधर प्लस है तो 7 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर 7 घटाएंगे तो इधर भी 7 घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ -7 करने पर। तो यहाँ पर देखो समीकरण है 5m + 7 फिर = 17। तो यहाँ +7 है तो मुझे इधर -7 लेना पड़ेगा और इधर भी -7 लेना पड़ेगा। तो 7 में से 7 गया 0, बचा क्या 5m बचा, बराबर 17 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 10 बचेगा। अब यहाँ 5 गुणे में है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस 5 को हटाने के लिए दोनों तरफ 5 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ भाग 5 करने पर। तो यहाँ है 5m, तो इसमें भी हम 5 का भाग देंगे और इधर है 10, इधर भी हम 5 का भाग देंगे। तो ये 5 से 5 कट गया, क्या बचा m बचा, और यहाँ भाग देंगे तो 5 × 5 5×2 = 10, 2/1 का मतलब होता है 2। तो इस प्रकार से आपका a और b हो जाएगा। अब देखो c यहाँ पर है 20 × p, यानी p के साथ ये 20 गुणे में है और बट्टे के नीचे, इसका मतलब ये है 3 भाग में है। ठीक, तो पहले हम एक काम करते हैं, इस 3 को हटा देते हैं। तो ये 3 कैसे हटेगा, ये किस में है भाग में, तो इसका गुणा कर दो तो ये हट जाएगा। भाग में है तो गुणा कर दो, गुणे में है तो भाग कर दो। तो पहले तो इस 3 को हटाना है, तो 3 यहाँ भाग में है तो हम यहाँ 3 का दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ × 3 करने पर, यानी दोनों तरफ 3 का गुणा करने पर। तो यहाँ क्या है भाई, यहाँ है 20 × p/3 और यहाँ है 40। तो इधर भी हम 3 का गुणा करेंगे और इधर भी हम 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ 3 का गुणा करने के कारण ऊपर नीचे 3 हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 20 × p बराबर, यहाँ गुणा करेंगे तो 4 × 4 4×2 = 8 4×3 = 12 और ये 0, यहाँ कितना आएगा 120 आएगा। अब मुझे 20 को हटाना है, तो यहाँ 20 किस में है भाई, गुणे में, तो गुणे में है तो 20 का क्या कर दो, भाग कर दो। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग 20 करने पर। ठीक है, तो यहाँ क्या है भाई, 20p है, भाग का मतलब बट्टे में 20 लिख दो, और यहाँ 120 है तो बट्टे में 20 लिख दो। तो यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो गया, क्या बचा p बचा। यहाँ देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ 2 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, तो यहाँ p हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हमें d को करना है, सबसे पहले हम 10 को हटाएंगे, तो 10 यहाँ भाग में है तो दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर। तो यहाँ पर क्या है, 3p/10 = 6, तो इधर भी हम 10 का गुणा करेंगे और इधर भी हम 10 का गुणा करेंगे। तो इधर तो 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा 3p, और 6 का 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60। अब मुझे इस 3 को हटाना है तो दोनों तरफ 3 का भाग देंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ 3 का भाग देने पर। ठीक है, तो यहाँ पर है 3p, तो इधर भी 3 का भाग देंगे, यहाँ है 60 तो इधर भी 3 का भाग देंगे, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 60 में 3 का भाग देंगे तो 3 × 3 3×2 = 6 और इसके पास 0, तो p हमें कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 3। अब देखो प्रश्न 4 है, निम्न समीकरण को हल कीजिए, यानी अब हमें चरण लिखने की जरूरत नहीं है, अब हमें इनको सीधा सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें चर के साथ पी जो ये संख्या 10 जो है वो किस में है, गुणे में है ना, तो गुणे में है तो हम क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे। तो इधर 10 का भाग देंगे तो इधर भी हम 10 का भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या है, 10p है तो इधर / 10 करेंगे, इधर 100 है तो इधर भी हम 10 करेंगे, तो ये तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पी, और यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 10, तो पी हमारा कितना आ गया, 10। अब यहाँ पर देखो समीकरण में दो चरण है ना, यहाँ बाएं पक्ष में दो पद है, तो इसको दो चरणों में सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इस 10 को हटाएंगे,
तो यहाँ प्लस 10 है, तो इधर माइनस 10 और इधर भी माइनस 10 करेंगे। तो देखो ये 10p प्लस 10 और इधर है 100, तो यहाँ प्लस 10 है तो इधर माइनस 10 करेंगे और इधर भी माइनस 10 करेंगे। तो ये 10 में से 10 गया 0, तो बचा क्या 10p बचा, और बराबर में यहाँ 100 में से 10 गया कितना बचा 90 बचा। अब यहाँ 10 गुणे में है तो इधर भी 10 का भाग दे दो, इधर भी 10 का भाग दे दो, तो यहाँ पर बट्टा 10 कर दो, यहाँ भी बट्टा 10 कर दो, तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया, पी बचा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 बचा। तो देखो बड़ी आसानी से हमारा ये दोनों समीकरण सॉल्व हो गई। अब यहाँ पर देखो सी, तो देखो सी समीकरण क्या है, पी बट्टा 4 बराबर में 5। तो ये तो बहुत सरल है, यहाँ से 4 हमें हटाना और 4 यहाँ किस में है भाग में, तो दोनों तरफ हम 4 का गुणा कर देंगे। तो देखो पी बट्टा 4 बराबर 5 है, तो ये 4 हटाना है, तो इधर 4 का गुणा करेंगे, इधर भी 4 का गुणा करेंगे, तो 4 से 4 हट गया, ये है पी, और यहाँ गुणा करो 5 चौक 20, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब लेते हैं हम डी समीकरण, तो देखो डी क्या है, डी हमारे पास है माइनस का पी बट्टा 3 बराबर 5। तो यहाँ से भी हमें 3 को हटाना है, और 3 यहाँ किस में है भाग में, तो दोनों तरफ हम 3 का गुणा करेंगे। अब क्योंकि माइनस पी है तो 3 इस तरफ गुणा कर दो, तो बट्टा 3, इधर भी 3 का गुणा कर दो और इधर भी 3 का गुणा कर दो, तो 3 से 3 हट गया, ये हो गया माइनस का पी बराबर 5 3 15, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम करते हैं समीकरण ई को सॉल्व, ठीक है, तो यहाँ देखो ई कैसे सॉल्व होगा, 3p बट्टा 4 बराबर 6। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें इस 4 को हटाएंगे, तो 4 यहाँ भाग में है तो दोनों तरफ हम 4 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3p बट्टा 4 बराबर 6, 4 हटाना है तो 4 का इधर भी गुणा कर दो और इधर भी गुणा कर दो, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3p बराबर 6 चौक कितना होता है 24। अब मुझे 3 को हटाना और 3 गुणे में है तो दोनों तरफ 3 का भाग देंगे, तो इधर भी बट्टा 3 करेंगे, इधर भी बट्टा 3 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो p बराबर यहाँ 3 का भाग देंगे तो 8 3 24 होता है, तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा 8 बार, ये हमारा p का आंसर हो जाएगा। अब हम f समीकरण करेंगे, तो देखो f समीकरण क्या है, 3s बराबर माइनस की 9। तो यहाँ 3 गुणे में है तो सीधा दोनों तरफ 3 का भाग दे दो, है ना, तो यहाँ 3s बट्टा 3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 9 है इसमें भी बट्टा 3 हो जाएगा, तो ये 3 से 3 कट गया, बचा क्या s बराबर, यहाँ 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9, आगे माइनस है तो उत्तर आया माइनस का 3। अब है समीकरण f हो गया जी क्या है, देखो जी है 3s प्लस 12 बराबर में 0। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इस 12 को हटाना है, तो ये प्लस में 12 है तो दोनों तरफ हम माइनस 12 करेंगे, तो ये हो गया 3s प्लस 12 बराबर 0, इधर भी माइनस 12 करेंगे, इधर भी माइनस 12 करेंगे, तो ये 12 से 12 हट जाएगा, बचा क्या 3s बराबर 0 में से माइनस 12 घटाएंगे तो माइनस 12 बचेंगे। यहाँ 3 गुणे में तो इधर भी 3 का भाग दे दो, इधर भी 3 का भाग दे दो, 3 से 3 कट गया, बचा s, और यहाँ 3 चौक 12 होगा, आगे माइनस है तो उत्तर माइनस का 4 आएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं समीकरण h, तो h क्या है, देखो h है 3s बराबर 0, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा हमें 3 को हटाना है, तो 3s यहाँ 3 गुणे में है तो इधर 3 का भाग दे दो और 0 में भी 3 का भाग दे दो, यहाँ 3 से 3 हट गया, यहाँ s आएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 ही आता है, तो ये भी इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम समीकरण i करते हैं, तो देखो i हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2q बराबर 6, तो यहाँ 2 गुणे में, तो 2 को हटाने के लिए 2 का भाग देंगे, तो इधर भी 2 का भाग देंगे और इधर भी 2 का भाग देंगे, 2 से 2 हटेगा तो p बराबर भाग दो, देखो 2 एकम 2, 2 3 6, 3/1 का मतलब होता है 3, ठीक है। फिर देखो जे क्या है, 2q - 6 बराबर 0, तो सबसे पहले मुझे इस 6 को हटाना है, और यहाँ माइनस 6 है तो इधर मुझे प्लस 6 लिखना पड़ेगा और इधर भी प्लस 6 लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया 2q - 6 प्लस 6 बराबर, ये 0 है, इधर भी प्लस 6 करेंगे, तो 6 में से 6 गया 0, इधर बचा 2q बराबर प्लस का 6, यहाँ 2 गुणे में तो दोनों तरफ 2 का भाग देंगे, इधर भी 2 का भाग देंगे, इधर भी 2 का भाग देंगे,
तो यहाँ दो से दो हट जाएगा, बचा क्या, क्यू बचा, और यहाँ दो एकम दो, दो दूनी चार, दो त्रिया छः, तो क्यू हमें कितना मिल जाएगा, तीन मिल जाएगा। फिर देखो के, यहाँ है दो क्यू प्लस छः बराबर जीरो, तो सबसे पहले मुझे इस छः को हटाना है, तो यहाँ प्लस छः है तो इधर माइनस छः करेंगे, तो दो क्यू प्लस छः बराबर जीरो, ये प्लस का छः है ना, इधर माइनस छः करेंगे, इधर भी माइनस छः करेंगे, तो छः में से छः गया जीरो, बचा दो क्यू बराबर माइनस का छः, यहाँ दो गुणे में है तो यहाँ दो का भाग दे दो, यहाँ भी दो का भाग दे दो, बचा गया क्यू, और यहाँ दो त्रिया छः होता है तो उत्तर आएगा माइनस का तीन। फिर बच गया हमारे पास अंतिम एल, क्या है, दो क्यू प्लस छः बराबर में यहाँ पर 12। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, छः को हटाएंगे, है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, छः को हटाएंगे, तो यहाँ पर देखो दो क्यू प्लस छः, तो इधर माइनस छः करेंगे, इधर भी माइनस छः करेंगे, तो छः में से छः गया जीरो, इधर बचा दो क्यू बराबर 12 में से छः गया छः, यहाँ दो गुणे में, इधर दो का भाग दे दो, इधर भी दो का भाग दे दो, दो से दो कट गया, बचा क्यू, और दो त्रिया छः, तो यहाँ भी क्यू का मान कितना आएगा, तीन आएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या चार करना है, और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है, इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है, इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।